ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन के लिए संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25 से लिया गया है। इसमें हम प्रभु यीशु के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य संख्या 23 में कहते हैं, देखो एक कुवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह नाम हमारे मन में पुराने ग्रंथ की विधान की मंजुषा की ओर ले जाता है और उनके बीच पिता परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिरूप करता था। पिता ईश्वर ने विधान की मंजुषा के माध्यम से उन्हें लगातार याद दिलाया था कि वह हमेशा उनका ईश्वर होगा और वे उनके जन रहेंगे। नए विधान में प्रभु यीशु जो खुद परमेश्वर था मनुष्य बनकर हमारे बीच आया। ईश्वर जो हमारे साथ है उनके साथ एक ऐसे रिश्ते के लिए हमें आमंत्रित करते हैं जहां वह हमेशा हमारे जीवन में एक स्थायी उपस्थिति है। उन्हीं में हम रहते हैं और चलते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। वह हमारा सब कुछ है। वह हमारा दैनिक निर्णय लेने में मौजूद है। वह काम पर हमारी प्रेरणा है और परेशान और संकट के समय में हमें दिलासा देने वाला है। वह एक घनिष्ठ मित्र है जिस पर हम बिना किसी भय के साथ विश्वास कर सकते हैं। वह भूमि है जिस पर हम हमारे अस्तित्व के आधार पर खड़े हैं। वह परमेश्वर है जिसकी हम चर्च में आराधना करते हैं। वह हमें एक छोटे बच्चे के हंसी में जीवंत कर देता है और साथ ही पहाड़ की भव्यता और तूफान की शक्ति में अपनी महिमा, शक्ति और ताकत दिखाता है। क्या हम हमारे दैनिक जीवन में प्रभु यीशु को अनुभव करते हैं? जब कुछ परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है, क्या हम और किसी के पास चले जाते हैं या प्रभु के हाथ पकड़ते हैं? तो आइए क्रिसमस देखदारन का पर्व हर्ष मन के साथ मनाएं और हमारे अंदर रहने वाले प्रभु को अनुभव कर सकें।